दैट इज स्टुपिडिटी। क्या आप नहीं साबित कर क्या, सकते हैं, क्या आप ये यकीन से कह सकते हैं भगवान एक है अनेक नहीं है? कोई कोई प्रूफ दे सकती हैं आप, कोई फुल फ्लेज प्रूफ दे सकती हैं कि भगवान एक ही होना चाहिए, कभी भी अनेक नहीं होना चाहिए? नंबर एक। नंबर दो, भगवान कभी भी इस दुनिया में आना नहीं चाहिए, उसको हमेशा दुनिया से बाहर रहना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि भगवान नहीं आना चाहिए, ये मैंने नहीं ओके, कहा। अल्लाह कभी इस धरती के दुनिया ऊपर में आया? भगवान नहीं जी, नहीं। बेहतरीन। तो जो जो इस दुनिया में आया नहीं, जिसने आपके मेरी तरह जिंदगी नहीं गुजारी, उसको क्या पता हो हमारी मुसीबतों का, हमारी मुश्किलों का, हमारी परेशानियों का, हमारे सेंसेस का जो हमारे पास हैं, सिक्स सेंसेस, उसका उसको पता नहीं। कभी उसने उन सेंसेस को फील नहीं किया, कभी उसने ऑब्जर्व नहीं किया, कभी उसने भूख नहीं देखी, कभी उसने थकावट नहीं देखी, कभी उसने हड्डी टूटते भी नहीं देखी, कभी हड्डी में मड़ोर नहीं देखा, कभी मसल पुल होना नहीं फील किया, कभी रात की नींद में खराबी उसने खलल फील नहीं किया। ऐसे भगवान को मैं भगवान कैसे मान लूं? उसको तो हमारी परेशानियों और टेंशनों की फीलिंग का अंदाजा ही नहीं है। हाउ कैन आई कॉल हिम गॉड? वो तो खलक है, मतलब कि वो क्रिएटर है, तो उसको पता हाँ तो रहता वही है ना, कि तो आप उसने बना दिया, उसने बना के उसने कहा आथू तुम लोग बगैरत तो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बच्चा है, उसने मट्टी से एक परिंदा बनाया, बनाने के बाद खेल खूल के वो चला गया घर के अंदर, वो परिंदा बाहर पड़ा हुआ है, कुत्ता आ गया उस पर मूत गया, एक और कुत्ता आ गया उसने ठुड्डा मार दिया, गाड़ी आई उसके ऊपर से गुजर गई, वो पुतला टूट गया, खत्म। दिस इज हाउ अल्लाह क्रिएटेड दिस वर्ल्ड? वो तो आता ही नहीं है इसमें, उसको पता ही नहीं है कि उसकी फीलिंग क्या है। जो उसने मूरत बनाई है, उस मूरत की फीलिंग क्या है, एहसास क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, टेंशन क्या है, उसने बना दिया, उसके बाद फेंक दिया, ये लो जाओ। जो भगवान इस दुनिया के अंदर प्रवेश नहीं करता इंसानी रूप में, उस भगवान को क्या पता हो हमारी फीलिंग का, हमारे प्रॉब्लम्स का, हमारी मुश्किलों का, हमारी परेशानियों का, हमारी टेंशनों का? उसने तो कभी फील ही नहीं किया, वो तो बैठा हुआ ऊपर याशी में। एक इंसान है, कंप्यूटर क्रिएट करता है या तो फिर रोबोट क्रिएट करता है, ओके, इसका मतलब वो इंसान भी रोबोट बन जाए, उसको नहीं, इसका प्रॉब्लम तो उस इंसान को कभी भी रोबोट की फीलिंग्स का नहीं पता। अगर कभी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कभी इतनी तरक्की कर भी जाए, कभी इतनी तरक्की कर भी जाए, तो उसके लिए साइंस फिक्शन फिल्में बनी हुई हैं कि वही ह्यूमन रोबोट्स जो के फिर अपने आप में फीलिंग्स ले आते हैं। आपने वो साइंस फिक्शन फिल्में नहीं देखी? वो रोबोट से फीलिंग आ जाती है, फिर लोग जो है रोबोटों को फिर भी तोड़ रहे होते हैं, तो रोबोट कहते हैं वो हमें तोड़ा जा रहा है, वो फिर रेबिलियन अख्तियार करते हैं ह्यूमन के खिलाफ, और फिर ह्यूमन से लड़ना शुरू करते हैं, बिकॉज ह्यूमन ने कभी भी अपने आप को रोबोटिक फॉर्म में देखा ही नहीं। फिर एक दो और फिल्में आई थी लास्ट ईयर और इस साल भी आई हैं, जिसमें के वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो एक AI बॉट के अंदर डाल देते हैं, और वो फिर जो बंदा है बाद में उसे पता ही नहीं होता कि वो असल में बॉट है, वो फिर उसकी बीवी जो है वो उसको निकालती है, वो बंदा फिर जाता है वगैरह वगैरह। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। ये जो मूवीज है AI की मूवीज, इन्होंने आपको साबित कर दिया है कि जब तक खुदा इस दुनिया में प्रवेश नहीं करता, उसको पता ही नहीं लग सकता हमारी फीलिंग का, हमारे जज्बात का, हमारे एहसास का, हमारी प्रॉब्लम्स का, हमारी परेशानियों का। और ये जो आपने अभी बात की कि रोबोट मतलब रोबोट में प्रवेश नहीं करता, यस दैट इज ट्रू, एब्सोल्युटली। अगर हमने रोबोट बनाया, हमें उसका पता ही नहीं है जब तक हम उस पर प्रवेश नहीं करते। इसी तरीके से वो जो हमारे ये जो नई मूवीज आई, उसमें उन्होंने एक ह्यूमन का एक्सीडेंट हो जाता है, वो बीवी है उसका खावन का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका खावन का वो एक रोबोट के अंदर डाल देते हैं। सी, सो यस, द पीपल हैव मेड मूवीज ऑन दीज थिंग्स कि हम लोग AI बेस्ड रोबोट्स बना रहे हैं। देर इज अ टाइम, जिस वक्त इनको फीलिंग आ जाएंगी, हम उनकी फीलिंग तो जज ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते। दे आर एक्चुअली डूइंग द सेम थिंग। थैंक यू फॉर दिस एग्जाम्पल, इट फिट्स ऑन एवरी सिंगल गॉड जो कभी इस दुनिया में प्रवेश नहीं किया। नहीं एडम जी, मैंने भी देखा कि 36 स्टेप ऑफ कुरान आए हुए हैं, या तो इतना सारा गड़बड़ी हो चुका है, तो आपको नहीं लगता है कि अगर जो मैसेज लेकर आए थे Where is the original मसीह message? I don't know where the original message is, right? जी? Do you know where the original message is? क्या आपको पता है कि original message क्या था? जो आप जो बोल रहे हैं ना, जो मैं नहीं मानता मक्की वाली सूरतों को, मैं नहीं मानता, तो मे भी वो हो सकता है फिर हो सकता मदनी है। ओके, वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मक्की सूरत है और सातवीं सूरत है,
ठीक है, सातवीं सूरत है, मक्की मक्की सूरत है, मदनी नहीं है। नहीं बोल रही हूँ इसको आप अच्छा मानती है ना, इसको आप अच्छा नहीं, मानती नहीं है राइट? नहीं वो नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मक्की मक्की के पूरे सूरे इट्स द परफेक्ट, ओके मैं ये एग्जैक्टली तो बोल मैं रही यही कह रहा हूँ ना, 5% को आप कह रही हैं कि वो अच्छा है, 95% बुरा है, 5% अच्छा है, मैं 5% को मानती हूँ। तो भाई फिर बात सिंपल है ना मेरी बहन, मैं ये क्यों ना कहूं कि वो 5% चोरी का माल है, जो अच्छा है वो चोरी का माल है, जो अच्छा है उसमें से 1.5% क्रिश्चियन से लिया, 1.5% जी यहूदी से लिया, से 1.5% ज़ोरास्ट्रियनिज्म से लिया, और 0.5% जो है ना बेबलोनियनिज्म से लिया। ये वो 5% है जो कुरान से अच्छा है। ले लिया, लेकिन मानने के लिए क्या प्रॉब्लम है? मानने जो के लिए क्या कुछ है प्रॉब्लम है? तो आप, आपका लिया। दिमाग खराब है। आप मुझे कह रही हैं एक बंदा है जिसको आप नबी मानना चाह रही हैं, उसके साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लगाना चाह रही हैं, और आपको अंब का पता नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या है, आप उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मानना चाह रही हैं और कह रही है कि मैं उसकी सिर्फ 5% चीज लूंगी, 95% नहीं लूंगी। तो हाउ कैन यू एक्सेप्ट समबडी? अच्छा आप, आपके जो वालिद साहब हैं आप उनको 5% वालिद साहब कह सकती हैं? 5% की नहीं ओके, बोल आप अपने रही वालिद हूँ, साहब को 50% वालिद साहब कह सकती हैं? नहीं अपनी वालिदा को 40% वालिदा कह सकती हैं? अपने आप को 50% गर्ल कह सकती हैं और 50% बॉय कह सकती हैं, और 50% खुसरा नहीं कह सकती हैं? खुसरे को क्या कहते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे बताया था कि खुसरा वर्ड शायद एक गंदी वाली जात है, यहाँ पे कोई मसला मसाला होता है यार, मुझे दूसरा लफ्ज नहीं आता, सो आई एम सॉरी। तो आप अपने आप को 33% लड़की, 33% लड़का और 33% खुसरा मानती हैं? यार एडम, सुनिए एडम जी, अगर आप हर एक किताब को जब लोगे ना, सब किताबों में करप्शन है, सब किताबों में भाई करप्शन मैंने है ये जिस नहीं पूछा कि तरीके। सब किताब, आप किसने कहा सब किताबों में करप्शन है? क्योंकि कुरान में करप्शन है ज्यादा, सब में करप्शन है, किसने कहा है, इसका मतलब किसने कि कहा? जब आप वेद को उठा लोगे, जब पुराना उसको उठा लोगे, जब यू नो भाई बाइबल्स के आप इतने किसने वर्षन कहा पुराना उसको एक्सेप्ट करो? मैंने कहा है पुराना उसको एक्सेप्ट करो? क्या नहीं, मैं ही देखो बोल आप रही हूँ। क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्योंकि इस्लाम गलत है ना, लिहाजा सब गलत है, इस्लाम गलत है, सब गलत है। भाई पुराना को आपके पुरान पुरान जो है इसको आपके 80% हिंदू नहीं मानते, शायद 90% हिंदू नहीं मानते, आप वो जी पुरानों हाँ को लेके बैठ गई हैं, ठीक है? जी तो क्यों हाँ बैठ गई हैं जिनको वो नहीं मानते? देखिए इन रियलिटी मुझे, मैं नहीं कह रहा कि आपको हिंदू बन जाओ, किसी ने कहा आपको हिंदू बन जाओ, मैंने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो शख्स, जो लड़की या लड़का मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा रहा है, उसको कोई और चीज तो पढ़ने की इस वक्त जरूरत नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली आप जैसी लड़की जो कह रही है 5% सही है, 95% गलत है, भाई वो फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगा रही हो? अच्छा मुझे बताओ, अभी तुमने कहा था कि दरूद कैसे सही है, जबकि दरूद ही तुम बोल रही हो मोहम्मद के साथ, सल्लल्लाहु अलैहि सल्ले हो अल्लाह की मोहम्मद के ऊपर, आप कह रही हैं सल्ले हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्ले हो अल्लाह की मोहम्मद के ऊपर। सल्ले वर्ड कम्स फ्रॉम सलात, सलात सल्ले, नमाज, प्रेयर, दुआ, सप्लीकेशन, अल्लाह की दुआ हो, अल्लाह की सप्लीकेशन हो, अल्लाह की नमाज हो, अल्लाह की प्रेयर हो मोहम्मद के ऊपर, ये आप बोल रही हैं हर दफा मोहम्मद के साथ। अभी आपने अपनी स्पीच के अंदर बोला था कि हम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद, नमाज में क्यों पढ़ रहे हैं, वो तो मर गया हुआ है। आपने वहां पे कहा था बरकत और रहमत, हालांकि बरकत और रहमत नहीं है, निचला लाइन जो निचला स्टेंसा है उसका है अल्लाहुमा बारिक, वहां पे पर बरकत है, पहले स्टेंसा तो में है अल्लाहुमा सल्ले। अब मुझे बताएं कि अल्लाह की नमाज क्यों हो मोहम्मद के ऊपर, अल्लाह की दुआएं क्यों हो मोहम्मद के लिए, अल्लाह की सप्लीकेशन क्यों हो मोहम्मद के लिए, अल्लाह किसे दुआ मांगता है? एडम जी मेरी बात सुनिए। यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ वहां पर ना, और फिर जहाँ यार पर मुझे मैंने नहीं पता, मदरसे मुझे में, परवाह नहीं है, मेरा बेसिक मुद्दा ये, आप मोहम्मद के बाद हर दफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाया, जबकि आपको एतराज इसी बात पे था अपनी ही स्पीच में, आप क्यों लगाया? अब कॉमनली इस तरीके से बोल देते हैं आई कि डोंट केयर अबाउट कॉमन, गेट आउट ऑफ द कॉमनलिटी। जो बंदा कॉमन रहता है वो हमेशा कॉमन ही रहता है, अनलेस यू आर अनकॉमन यू आर नेवर शाइनिंग, डोंट बी कॉमन, हु सेड बी कॉमन, बी एक्सेप्शनल। लेकिन ये ये तो मोहम्मद डर रजा है का जो है वो कॉमन एडम बनना था या एक्सेप्शनल था? ही बिकेम एक्सेप्शनल, ही गॉट रिड ऑफ द एडम कॉमनलिटी। एवरीथिंग ओके, सबका सब कुछ मैं ले लूंगी,
आप जो कुछ भी एक्स मुस्लिम जो कुछ भी दिखा रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं, या 5% जो कुछ भी कुरान मजीद का सही है, सब कुछ मैं ले लूंगी. ओके, मरने के बाद किसी ने भी नहीं देखा है जन्नत जहन्नम, किसी ने भी कुछ भी नहीं देखा है. अगर सच निकला यार जो एक कब्र के सेकंड, आजाब, रुको अगर सच निकला एक सेकंड, हो गया. रुको 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 रुको, एक इस किस्म के बगैरत हरामी अल्लाह और उसके इतने बगैरत हरामी मोहम्मद की अगर जन्नत और जहन्नम है ना, तो फिर लानत है इस दुनिया के ऊपर और लानत है ऐसे खबीस कुत्ते हरामी किस्म के क्रिएटर के ऊपर। लिटरली स्पीकिंग, ऐसे क्रिएटर हमें कीमे की मशीन में डाल के कीमा बना के ना उसको मछलियों का खिला दे, मुझे परवाह नहीं। कि अगर इतना बगैरत खबीस किस्म की मेंटेलिटी वाला खुदा हो सकता है ना, तो फिर मेरा मतलब है दुनिया में ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए। ये उसने बगैरती की के लफ्ज ह्यूमैनिटी इस दुनिया के अंदर पैदा भी होने दिया। अगर तुम्हारे मुताबिक ये वाले अल्लाह की जन्नत और जहन्नम हो सकती है, तो फिर इस अल्लाह जी जो इस टाइप का अल्लाह है, इसकी ह्यूमैनिटी नाम का वर्ड इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। फिर इसकी जो औरत है वो तो वैसे ही रंडी है सारी उम्र इस दुनिया के अंदर, और आखिरत में भी रंडी रहेगी। अल्लाह खुद कहता है हर वक्त टांगे गर्म रहेंगी उसकी, उसका मर्द आया उसे ठोके मोके। ये औरत की औकात है? औरत सिर्फ एक सेक्स डॉल है। इस वक्त इंसानों ने अच्छी सेक्स डॉल बना दी है चाइना ने, वो 5,000 पाउंड में मिलती है, जाके ले लो। अच्छी आवाजें भी, ई आ ऊ वाली अच्छी आवाजें भी निकालती है और हमेशा रहती भी टाइट है। फिर वो ले लो, जिस तरह अल्लाह ने कहा था ना जन्नत में उसके हाईमन हमेशा से टाइट रहेगा और हमेशा वर्जन रहेगी। इस वक्त चाइना ने बना ली है, 5,000 पाउंड की मिलती है, ले लो। अल्लाह की हूर से ज्यादा अच्छी है, आवाज भी अच्छी निकालेगी, आगे से कभी बुरा भी नहीं कहेगी। जब भी तुम घर जाओगे हमेशा तुम्हारे इंतजार में गर्म रहेगी, जैसे तुम उसे हाथ लगाओगे फौरन उसकी गर्मी टाइट हो जाएगी और फौरन वो टाइट हो जाएगी, तुम्हें उससे अच्छा मजा देगी। ले लो, जन्नत की हूर यहाँ पे चाइना में मिल रही है इस वक्त। ये आई नो, अल्लाह है आपका यस्टरडे जो आपको यस्टरडे मैंने सेक्स टॉयज बेच देखा. रहा है, जन्नत में उसने हूरें बनाई स्पेशली। ओहो, ऐसी मखलूक जो आज से पहले ना किसी ने देखी, ना किसी ने सुनी, ना किसी ने हाथ लगाया, तुम्हारे लिए टैटम टैट वर्जन्स, कम ऑन। मैं सो चाइना बना रहा है, आप अच्छा कमाई करो, 6,000 की, 5,000 की लेते जाओ, 72 क्या 1,000 ले लो, जिस मर्जी साउंड की ले लो, जूलिया रॉबर्ट के साउंड की ले लो, माधुरी डिस्कट के साउंड की ले लो, पादु करनी के साउंड की ले लो, जो सा मर्जी साउंड डलवा लो, काली ले लो, चिट्टी ले लो, पिंक ले लो, ब्राउन ले लो, चॉकलेटी ले लो, चाइना शेप की ले लो, फिलिपिनो ले लो, इंडियन ले लो, अमेरिकन गौरी ले लो, ऑस्ट्रेलियन गौरी ले लो, हर किस्म की मिलेगी आपको। क्या फर्क है इसमें और अल्लाह की जन्नत में? व्हाट इज द डिफरेंस, इस्लाम, टेल मी। ओके 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 आई नो. मैंने आप जन्नत का जो जो सूरह सूरह का मैंने जन्नत की जो हुरों के बारे में सूरा जो जोन सी मर्जी ले लो कुरान की, जन्नत का यही कॉन्सेप्ट है, चाहे सूरों में हो चाहे वो हदीसों में हो, हर जगह पे यही कॉन्सेप्ट है सूरों का। जन्नत में और दिखाया क्या हुआ है? सेक्स के अलावा जन्नत में चार चीजें दिखाई गई हैं। आई नो नहरें, वुमन्स का कोई नहरें, रिलीज नहरें नहीं क्यों है. दिखाई गई हैं? क्योंकि सऊदीया के सहराई इलाकों में नहरें नहीं थी, लिहाजा जी दूध की हाँ, नहर, शहद की नहर, शराब की नहर, तीन नहरें। जी और क्या दिखाया गया? बागात। ये दूसरी चीज क्या दिखाई गई है? बागात, क्योंकि वहां पे बागात थे नहीं, खजूरों के अलावा कुछ उड़ता नहीं था, लिहाजा आपके पास अंगूरों के बागात, आपके पास अनार के बागात, आपके पास यानी चार और वो इंजील के बागात, और क्या उसके अंदर, और क्या जन्नत के अंदर? परिंदे उड़ रहे होंगे, जो परिंदा चाहोगे खा लोगे, परिंदे। यस, अल्लाह को बड़ा फैसिनेट करता था, मोहम्मद को बड़ा फैसिनेट करता था। अल्लाह कहते हैं परिंदों को अल्लाह ने अपने हाथ से आसमान पे उठाया हुआ है, ये अगर छोड़ दे तो परिंदे गिर जाएं, कुरान की आयत है। अल्लाह को परिंदे, मोहम्मद को परिंदे फैसिनेट करते थे कि हवा में उड़ते हैं हम नहीं उड़ सकते, लिहाजा परिंदे हवा में, ओके अल्लाह आदम अपने हाथों से जी, उठा के रखता परिंदों को, कुरान की आयत है। स्टुपिडिटी। तो आदम जी मुझे पता है, क्योंकि मुझे उसके फिर क्या है कुरान में? तफसीर जन्नत में एक क्या ही है जिसको लेना है तुमने? मुझे एक ही एक सिर्फ एक बात का, मुझे इस्लाम से बाहर आने के लिए मेरा डर मुझे सताया रहता है कि नहीं, इस्लाम से बाहर नहीं आना। किसने कहा इस्लाम से बाहर आना? मैंने कभी किसी को नहीं इस्लाम छोड़ो। मैं कहता हूं इस्लाम से अल्लाह बाहर. को डिनाउंस करो कि वो सही गॉड नहीं है। अगर वो सही गॉड नहीं है तो उसकी जन्नत भी गलत है, उसकी जहन्नम भी गलत है। भाई जन्नत जहन्नम को कोई प्रूव नहीं कर सकता, मैं उसको कभी प्रूव नहीं करता। अगर अल्लाह सत्य नहीं है
तो उसकी हर स्टेटमेंट झूठी है। अगर अल्लाह सत्य है तो उसकी हर स्टेटमेंट सत्य है। क्या ऐसा गॉड हो सकता है? हाँ या ना? इसको हमने जज करना है। क्या गॉड ऐसे हुक्म दे सकता है? हाँ या ना? इसको हमने देखना है। अगर वो ऐसा खुदा नहीं हो सकता, देन दैट गॉड इज अ फॉल्स गॉड। तो उसकी वो चीजें जो प्रूव नहीं हो सकती, दुनिया क्रिएशन से पहले वाली चीजें प्रूव नहीं हो सकती, दुनिया के खत्म होने के बाद की चीजें प्रूव नहीं हो सकती, तो फिर वो ऑब्वियसली गलत है। अगर उसकी ह्यूमैनिटी ह्यूमेन इस दुनिया में आज फॉलो की जा सकती है, अच्छी है, और 2000 साल पहले भी फॉलो की जा सकती थी, अच्छी है, तो जो चीजें प्रूव नहीं हो सकती वो भी ठीक है। दिस इज हाउ यू जज अ गॉड, दिस इज हाउ यू जज द करेक्टर ऑफ गॉड, एटलीस्ट दिस इज हाउ आई डू इट। देन यू प्रूव अल्लाह नहीं, 95% गलत है, 5% सही है। मैं 5% वाले अल्लाह को मानूंगी। हाथ दोगे यार, 5% वाले अल्लाह को मानूंगी। जो 5% वाला जो अल्लाह है ना, जो आप इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ओके, पूरी यूनिवर्स, पूरी की पूरी दुनिया, ओके, 5% वाला जो अल्लाह है ना, जिसको मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, मुझे दिखा दो उसने जमीन और आसमान के अलावा क्या बनाया। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, दैट्स इट, दैट्स ऑल ही नोज। और तो उसे पता ही कुछ नहीं। सितारे जो है वो तो जमीन के ऊपर गिरते हैं, उसको पता ही नहीं सितारे बहुत दूर दूर है। कहकशा और गैलेक्सीज का उसको पता ही नहीं था, सैयारों का उसको पता ही नहीं था। ये कौन सा गॉड है जिसने पूरी कायनात बना दी लेकिन उसको कायनात के एबीसीडी का नहीं पता था? कुरान के अंदर मुझे बताओ, जमीन एक सैयारा है, इसके अलावा क्या चीज उसने बताई है? अतादर का बताया, मरीख का बताया, वीनुस का बताया, किसका बताया उसने? किसी एक का बताया? जो इंसानी अरेबिया में जमीन पे खड़े होकर नजर आता था ना यार, सितारे बहुत छोटे छोटे हैं, हाँ ये एक सितारा आके गिरा, शू नजर आया, ओ ये सितारे जो है ना, ये जब शैतान जमीन से आसमान से उड़ता है ना, तो अल्लाह सितारों से इनको मारता है। ये अल्लाह के सितारे जो गिर रहे हैं, मोहम्मद को पता ही नहीं था ये मीटियर्स हैं। मोहम्मद कुरान क्या कहता है? जब शैतान ऊपर उड़ने निकल लगते हैं, तुम लोग नहीं उड़ सकोगे, मगर बाहर नहीं जा सकोगे, इस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकोगे, तो अल्लाह अगली आयत क्या कहती है? और अगर निकलने की कोशिश की तो हम सितारे फेंक के तुम्हें गिरा देंगे। अल्लाह कह रहा, लो सितारा कभी गिरा इस दुनिया पे? और तो और आपकी आखिरी वाली सूरत क्या कहती है? जब क्यामत आएगी, क्यामत आएगी क्या करेगा अल्लाह? अल्लाह सितारों की बारिश कर देगा जमीन के ऊपर। अबे गधे, एक भी सितारा जमीन के पास आ गया या जमीन एक भी सितारे के पास आ गई, कितने लाखों मील पास सिर्फ आ गई, तो जमीन फड़क के टूट जाएगी, क्योंकि सितारा इतना गर्म होता है। हमारा अपना सितारा जो है पता नहीं 80,000 या पता नहीं 1.5 लाख गुना बड़ा है, जो हमारा करीब 3 सितारा है जिसको हम सूरज कहते हैं, ये जमीन से 80,000 गुना बड़ा है। अगर जमीन उसके पास भी फड़क गई तो पटक के फट जाएगी, जैसे एटम बम फटता है हीट की वजह से। आपका अल्लाह कहता है क्यामत के दिन सितारे जमीन के ऊपर बारिश की तरह गिरेंगे। अल्लाह को उतना ही पता था जितना मोहम्मद को पता था, जमीन से ऊपर देख रहा सितारे छोटे 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 नजर आ रहे, बट दैट्स इट, दैट्स ऑल बट मोहम्मद न्यू, वही उसने कुरान में लिख दिया, छोटे 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 सितारे हैं, क्यामत के दिन जाना जमीन पे गिरेंगे, टिक 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 करके, ए प्रीख 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 ए प्रीख, कंकड़ियों की तरह तो सितारे हैं, कंकड़ियों की तरह वो गिरेंगे, प्रीख प्रीख, आपका घर टूट जाएगा। हाथ धो गए यार, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ अ गॉड, इसने सारी दुनिया बनाई है जिसको अंब का पता नहीं है इनमें से किसी चीज का, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस गॉड, आर यू श्योर? Do you think this is the creator of the world? This guy? जिसके सितारे जमीन पे गिरते हैं? और दुनिया खत्म कैसे करेगा सितारों को जमीन पे गिरा के? क्यामत कैसे लाएगा सितारे जमीन पे लाके गिरा के? अब एक गधे, सितारे जमीन पे गिर ही नहीं सकते। फिर तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए इंसान को? फाइंड करना चाहिए अल्लाह सच्चा गॉड है कि नहीं गॉड है, फिर अगली बातें।
आवाज चली गई आपकी, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी ऐसे जी। अभी आ रही है सर। ये देखें आप, ये जी देखें, ये हाँ खोलते हैं, ये देखें, आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये कुरान है यार। जितनी भी चीजें देखोगी, जितनी भी चीजें देखोगी, ये बातें करते करते मुझे याद आ गई बात। हालांकि मैं कुरान भी दिखा, 95% तो कुरान वैसे ही आपके लिए खराब है, दिखाना चाहता था, मगर ये बड़ी मजेदार है। सूरत कौसर क्या है जी? When the sun is put out, जब सन ठंडा हो गया, and the stars fall down, और फिर जनाब सितारे गिर जाएंगे। मुझे बताओ सितारे गिरेंगे कैसे? अरे दुनिया जो है वो ऊपर से भी वही है, नीचे से भी वही है। मुझे बताओ सितारे जो है नॉर्थ पोल के ऊपर गिरेंगे या साउथ पोल के ऊपर गिरेंगे? क्योंकि अगर साउथ पोल पे गिरेंगे तो वो गिरेंगे नहीं, वो फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बिकॉज दुनिया गोल है, एक ऊपर है और एक नीचे है दुनिया का। सो अगर नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है, लेट्स जस्ट से, तो फिर साउथ वालों के लिए सितारे गिरने नहीं चाहिए, वो रॉकेट की तरह आके लगने चाहिए। अल्लाह के मुताबिक जमीन फ्लैट है क्योंकि सितारे ऊपर लगे हुए हैं, वो गिरेंगे। फ्लैट अर्थ के ऊपर सितारे लगाए हुए अल्लाह ने डोर्म के अंदर, और क्या लिया है? एंड व्हेन द माउंटेन्स विल बी ब्लोन अवे, पहाड़ हवा में उड़ना शुरू कर देंगे। दे दबा दब, दे दबा दब, और क्या होगा? एंड व्हेन द प्रेग्नेंट कैमन्स आर लेफ्ट अनअटेंडेड, जब सूरज बंद हो गया हुआ है, सूरज बुझ गया हुआ है, राइट? सूरज बुझ गया हुआ है, सितारे जमीन पे गिर गए हुए हैं, सूरज बुझ गया है, सितारे जमीन पे गिर गए हैं, पहाड़ हवा में उड़ रहे हैं, उस वक्त प्रेग्नेंट कैमल कैसे होगा? मुझे ये समझाओ ना यार, मुझे ये बताओ उस वक्त कैमल कैसे होगा? जमीन का टेम्परेचर उस वक्त एब्सोल्यूट जीरो होगा। सूरज के बुझने से बहुत पहले हमारी जमीन ठंडी हो जाएगी। द डे सूरज बिल्कुल बुझ गया, हमारी जमीन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे होगी। यू नो व्हाट एन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज? इट इज -200 एंड समथिंग सेंटीग्रेड। वो टेम्परेचर पे नो एनिमल, नो ह्यूमन, नो दरख्त कैन सरवाइव। उस टेम्परेचर के ऊपर कैमल जो है वो अनअटेंडेड खड़ा रह जाएगा। अब एक खोती के बच्चे, कौन सी साइंस चल रही है मोहम्मद? ये साइंस है, ये कुरान की साइंस है, साइंस ऑफ द कुरान आई गया। एंड व्हेन द विंड बीस्ट आर गैदर टुगेदर, वाइल्ड बीस्ट, जानवर अभी भी हैं, वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। आओ भाई शेरो, आओ भाई कुत्तो, भेड़ियो, अबे ओए हाइनास, ओए हाइनास इधर आओ, हाइनास इधर आ जाओ, गैदर टुगेदर। और क्या होगा? एंड व्हेन द सीज आर सेट ऑन फायर, सूरज बुझ गया, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, समुंदर जो है उसमें आग लग गई। अबे गधे, सूरज बुझ गया, सितारे जमीन पे गिर चुके हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो चुका है, उस टाइम पे क्या हुआ है? लो जी समुद्रों में आग लगा दो, अल्हम्दुलिल्लाह एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे आग लग गई। आगे चल रहा है, एंड व्हेन द सोल्स इन द बॉडीज अपीयर्ड वंस मोर, लो जी अब उसने रिजरेक्शन वाला टाइम आ गया, गोली मारो आगे से। आगे को हम प्रूव नहीं कर सकते, यहां से आगे हम प्रूव नहीं कर सकते, बस यहीं तक, यहां तक की चीज हम साइंस के जरिए प्रूव कर सकते हैं, इससे नीचे नहीं कर सकते। मैं नहीं पढ़ता, खत्म हो गई, मौत की बात आ गई, मौत के बाद की बात आ गई, उसको छोड़ दो। लो ये इसने बनाया, इस डंगर ने दुनिया बनाई है, ये डंगर दुनिया बना सकता है? ये डंगर जो है ना, ये एक मेरा मतलब है दरख्त के लकड़ी से टेबल नहीं बना सकता, कुर्सी नहीं बना सकता, जिस डंगर ने ये किताब लिखी है उसको ये भी नहीं पता इस डंगर को कि एक दरख्त की लकड़ को पकड़ के उससे टेबल कुर्सी कैसे बनानी है। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दिस गॉड ऑन, इसकी जन्नत है, इसकी जहन्नम है, आज की जहन्नम है, ये दुनिया से सारा लोया निकाल लेगा, उसकी जंजीर बना के और ये दे देगा फरिश्तों को, और फरिश्ते हमारे पिछवाड़े के सुराख में जहां से पोटी निकलती है वो जंजीर घुसा के हमारे मुंह से निकालेंगे और हम आए टिड्डी की तरह आग के ऊपर भूनेंगे। अबे अल्लाह गधे, अगर पिछवाड़े के सुराख में जंजीर डाल के मुंह से निकालेगा ना, तूने आंतरे और मैदा और फेफड़े पहले ही फाड़ दिए हैं, जब तूने ये सब कुछ फाड़ दिया है तो हम जिंदा ही नहीं है, अब तू हम भून या तू ना भून कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
उसके बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर किसी बंदे के पिछवाड़े के सुराख से जंजीर डाली जाएगी और उसके मुंह से निकाली जाए, वो तो पहले ही मर गया भाई। अब उसको भूनो, उसको तलो, उसको कुछ भी करो, उसे क्या फर्क पड़ेगा? मार दिया आपने उसको। आप ऐसा करो, एक दिन किसी कुत्ता पकड़ लेना, उसके साथ ये करके देख लेना, अल्लाह बन जाना थोड़ी देर के लिए ना, करके देखना। ठीक है, कुत्ता मुझे गालियां निकालेगा अल्लाह मियां की जन्नत में जाके कि मैंने एक लेडी को ये मशवरा दिया था, लेकिन उसके साथ कभी करके देख लेना, उसके बाद वो जिंदा बचेगा कि उसे भूनोगी? नहीं, कुत्ते को ना करना, अच्छे होते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं वैसे। ऐसा करो, कुत्ते को ना करना, ऐसा करो बिल्ली को गाल लेना। नहीं, बिल्ली बड़ी क्यूट होती है, छोड़ो। बकरी को गाल लेना, क्योंकि उसके ऊपर पका के खा भी लेना उसे, एटलीस्ट कोई तो फायदा दे जाएगा उसका गोश्त। ऐसे जी, बचा क्या है अभी? हाँ साहिल जी, मैं लॉजिकली आपकी सारी एक बात भी उन्होंने, मैंने भी देखा हुआ है जो कुछ मैडम जी बोलते हैं, मैंने भी उन्हें जाकर मैंने रेफर भी किया है, बैठकर मैंने भी पढ़ा है, नहीं करके मैं नहीं बोल रही हूँ, एवरीथिंग इज इट्स राइट, समझ में आ रही है बात, मुझे भी समझ चुकी हूँ। और फिर घर पर भी आजकल तो 5 डेज हो गए नमाजें पढ़ के, थोड़ा वो भी डिप्रेस हो गई हो, किस क्या किसको भगवान फिर तो रले को मारे, नहीं तो अल्लाह अल्लाह से पूछना, अल्लाह को साइन दे। तकलीफ आई है, एक मिनट एडम, तकलीफ आई है तो किसको अब हाथ उठाकर किसको मांगेंगे, किसको उन्हें पुकारेंगे? एवरी टाइम अल्लाह ने कभी आंसर दिए? अल्लाह ने कभी आंसर दिए? कभी आंसर दिए? मैं यही कहने लगा था, अल्लाह से तुम पहले इस वक्त अपनी तकलीफ को ना मांगो, अल्लाह से कह अल्लाह तुझे मैं छोड़ने लगी हूँ, ये दुआ मांग अल्लाह के, अल्लाह तुझे छोड़ने लगी हूँ। अगर तू सच्चे, अगर तू सुनना, धमकी देना, सुन अल्लाह का तुझे छोड़ने लगी हूँ, मेरे बच्चे भी तुझे नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा, अगर तू सत्य है तो आ मुझे बात कर, कहो देखो आता कि नहीं आता। ले फिर ये फिर अल्लाह को चैलेंज हो गया ना, इंसान तो फिर भी तेरी मदद को आ जाएंगे, तुझे कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई होप होगी, कोई मसला होगा ना, अपने हमसाये को कॉल करेगी ना, आ जाएगा शायद, दो घर छोर वाले को कॉल करेगा, आ जाएगा शायद, तुझे थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा। अल्लाह तेरी कभी भी नहीं हेल्प करेगा, जा, वो है होएगा तो हेल्प करेगा ना, बुलाया उसको जाता जो होए, होप उससे मांगी जाती है जो होए, जो है ही नहीं, जो आ ही नहीं सकता, जो बात नहीं कर सकता, जो कुछ कर ही नहीं सकता, उससे हेल्प मांगे क्या करनी है, उससे क्या होप है? मेरी होप साहिल से हो सकती है कि साहिल कम से कम जवाब तो देगा, तेरी होप अल्लाह से जो जवाब ही नहीं देता। एक मिनट एडम जी, फिर आपके हिसाब से फिर कौन है अगर अल्लाह नहीं है? ओके, मान लेती हूँ कि नहीं है कोई भी उन्होंने मुझे पैदा करने वाला, फिर कौन है फिर? अरे भाई, मेरे मुताबिक जो है वो है, वो जवाब दिया उसने मेरे को, तेरे अल्लाह ने तेरे को जवाब दिया, उसका जवाब लेके आ पहले, जो मेरे मुताबिक है उसने मुझे जवाब दिया, जो तेरे मुताबिक है उससे जवाब तो लेके आना पहले। ऐसे जी, अभी जो आपको जितनी चीजें बताई गई है ना, इस पे थोड़ा गौरव फिकर करो आप, ठीक है, सोचो समझो। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको ये क्यों जानना है कि भाई किसने हमको पैदा किया, क्या मिल जाएगा उसके, आप मतलब ये जानने से आपको? अच्छी बात है, मुझे किसने पैदा किया? अगर मुझे, लेकिन साहिल को बात की बात है ना साहिल, देखो वो फिर बात वही आ जाएगी, वो उसकी उसकी अपनी सर्च है, उसकी सर्च रहने दो साहिल। प्रॉब्लम ये है, अभी अल्लाह तो सत्य नहीं है ना, पहले वो साबित हो जाए, उसके देखो ढूंढा तब जाता है किसी को जब आपको यकीन हो जाए कि अब मैं गलत है, बाजार में हूँ, यानी अकेला हूँ, ठीक है, मेरा रास्ता खो गया। जब अभी तक ये बैठी हुई है कि मेरा रास्ता खोया नहीं है, मेरा अल्लाह जो है वो मेरे रास्ते के ऊपर आया, तो फिर वो खोज ही नहीं सकती किसी को ना साहिल, यही तो मैं कहता हूँ। जब आप एक रास्ते पे चल रहे हो तो भैया आप गुम नहीं हुए वे, जब आप गुम नहीं हुए वे तो आप किसी और को खोज नहीं सकते, इम्पॉसिबल, किसी और रास्ते पे क्यों जाओगे? तो पहले तो ये तो साबित हो कर लो अपने आप को ये तो यकीन दिला लो कि तुम रास्ते पे नहीं हो, फिर तुम किसी और को खोजोगे। उसी रास्ते पर निकल चुकी है मैडम जी, तो सोच रही हूँ कि कौन सा धर्म सही है, वही तो मेरा रिसर्च चल रहा है। नहीं, 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 जो जो बीबी मेरे साथ मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा रही है,
अल्लाह अल्लाह को डिफेंड कर रही है 5% में, ये जब तक आपको सामने कहोगी नहीं तब तक नहीं, तब तक मत ढूंढो। पहले फिगर आउट के तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगा रही थी। कॉमनली यहाँ पर उस तरीके से बोल देते हो ना, आपके साथ यहाँ पर जोड़ देते हैं, वो पहले से भी आदत है, बचपन से भी नहीं तो आदत मैं तो है नहीं वो। जोड़ता ना, मैंने आदत खत्म कर दी ना, जिस दिन मैंने मोहम्मद को छोड़ा उस दिन आदत भी खत्म कर दी मैंने अपनी, आप भी खत्म कर दो। मैंने बोलो बोलो यहाँ पे, बोलो मोहम्मद नहीं झूठा नबी है, बोलो। दिल नहीं खबर रहा है, टाइम बस फिर चाहिए, ठीक है, जिस टाइम दिन बात। बोलने की, जिस दिन ये स्टेटमेंट बोलने की क्षमता रखोगी उस दिन आना, फिर बात करेंगे। मेरी तरफ से सलाम वालेकुम, साहिल साहब आप बात कर लें। थैंक यू, नहीं आज के लिए तो थैंक यू, काफी है एस जी, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। आप जी, थोड़ा सा इस पे सोचना और उस हिसाब से फैसला लेना। ठीक है, टेक योर टाइम, डोंट बी नर्वस, डोंट गेट डिप्रेस, टेक योर टाइम, थिंक डीपली, देन टेक सम डिसीजन। थैंक यू साहिल।